चीन समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना के आंकड़ों में इजाफा। कोरोना के आंकड़ों ने बढ़ा दी कई देशों की टेंशन। कोरोना के मामलों में देखने को मिला जबरदस्त उछाल। चीन में 24 घंटे में 3.7 करोड़ मरीज मिले। सड़कों पर रस्सी बांधकर ड्रिप लगाई जा रही है। चीन में कोरोना के हालात बेकाबू। रूस के कैमोरोबा शहर के घर में लगी भीषण आग। 20 लोगों की जलकर मौत। अग्निकांड में कई लोग जख्मी। कैमोरोबा में आग से जलकर हुई 20 लोगों की मौत। दक्षिण अफ्रीका के बॉक्सबर्ग में एक बड़ा विस्फोट। गैस टैंकर फटने से कई लोगों के घायल होने की खबर। ईंधन लीक होने से हुआ था हादसा। अमेरिका में दाढ़ी और पगड़ी रखने वाले सिखों को मिली काम करने की इजाजत। यूएस मरीन में काम करने की मिली इजाजत। बिहार के रक्सौल में उद्घाटन के समय ईंट भट्टे में विस्फोट। 9 लोगों की मौत, 15 घायल। विस्फोट में 30 फीट की दूर उछली। वहीं सिंगापुर के एयरपोर्ट पर भारतवंशी अफसर गिरफ्तार। पर जब्त किए गए तंबाकू उत्पाद की जेब में लेकर घूम रहा था 3 महीने की जेब। अमेरिका में ठंड का मौसम लोगों पर पड़ रहा है भारी। बर्फबारी के बीच तूफान से देश के 60% लोग भीषण ठंड में फंसे। कई फ्लाइट रद्द। अफगान शरणार्थियों को वापस नहीं भेजेगा पाकिस्तान। जरूरी कागज नहीं मिलने पर जुर्माना होगा। ब्लैकलिस्ट भी करेगा पाकिस्तान सरकार। महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक जयकुमार गोरे की गाड़ी खाई में गिरी। 4 लोग घायल। विधायक की पसली भी टूटी। फ्रांस की राजधानी पेरिस में गोलीबारी। 3 लोगों की मौत, 3 लोग घायल। पुलिस ने हमलावर को किया गिरफ्तार। पेरिस गोलीबारी में 3 लोग की मौत। ट्रंप को नहीं मिलनी चाहिए राष्ट्रपति चुनाव की इजाजत। जांच कमेटी ने की कानून बनाने की मांग। यूएस कैपिटल हिंसा की जांच कर रहे पैनल ने अपनी रिपोर्ट में की सिफारिश। पीएम मोदी से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी से की मुलाकात। उत्तर प्रदेश के तमाम मुद्दों पर भी चर्चा। उदय प्रताप कॉलेज के शासन चुनाव की तिथि घोषित। 28 जनवरी को होगा मतदान। हो चुका है मतदान और सुबह 10 बजे से मतदान होगा और मतदान के तुरंत बाद होगी मतगणना। जम्मू कश्मीर में जाम में एनआईए की छापेमारी। जेएनके के कठुआ अरनिया में एनआईए की डेट। यूक्रेन में रूस चला रहा बुलडोजर। 600 लोगों की मौत के निशान मिटा रहा है रूस। मारियोपोल थिएटर को भी बुलडोजर से गिराया। दिल्ली पहुंची भारत जोड़ो यात्रा। राहुल हजरत निजामुद्दीन दरगाह पहुंचे। बोले नफरत के बाजार में प्यार की दुकान खोलने आए हैं। राजस्थान पेपर लीक मामले में 50 आरोपी गिरफ्तार। मास्टरमाइंड सुरेश बिश्नोई को जयपुर से मिला था पेपर। सरकारी स्कूल का वाइस प्रिंसिपल है मास्टरमाइंड। यूपी में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। 1200 करोड़ का मिला कालाधन। 4 मीट कारोबारियों के ठिकानों पर छापा। रोमांचक मोड़ पर दूसरा टेस्ट। 145 रन के टारगेट के जवाब में भारत का स्कोर 45 रन पर गवाई 4 विकेट। राहुल गिल पुजारा और कोहली आउट।